नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास सेवेंथ मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लेते, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ट्रिपल, क्या कह रहा है कि कोई नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रिपल मतलब हो गया 3 टाइम्स। क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ट्रिपल, यानी किसी नंबर को हम लोग 3 गुना करते हैं, एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया इज डिक्रीज बाय 7, उस रिजल्ट में से कह रहा है 7 को माइनस कीजिए। फिर से क्वेश्चन समझिए कि कह रहा है कोई नंबर है जिसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से क्या कर रहा है 7 को कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वी ऑब्टेन 68, तो हम लोग को रिजल्ट कितना मिल जाता है 68 मिल जाता है। देन फाइंड द नंबर। देखिए दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर लेट कर लेंगे, लेकिन लेट द नंबर बी एक्स, इतना समझ में आ गया कि नंबर हम लोग क्या किया, एक्स लेट कर लिए, लिखेंगे देयर फोर ट्रिपल्ड ऑफ नंबर, नंबर का 3 गुना कितना हो जाएगा बताए, एक्स है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करें यहां पे देखिए कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उस रिजल्ट में से कह रहा है कि 7 को कह रहा है डिक्रीज करने के लिए, रिजल्ट इज डिक्रीज बाय 7, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसको लिखिए 3x माइनस 7 और रिजल्ट हम लोग कितना मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है 68। ये हम लोग क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था कि किसी भी नंबर को ट्रिपल्ड कीजिए उसमें 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रिजल्ट कितना मिल रहा है 68 मिल रहा है। तो सॉल्व कर लीजिए, वहां से हम लोग नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 3x इक्वल टू ये 68 माइनस 7 को राइट साइड में ले जाए तो जाएगा प्लस 7। आगे देखिए हो जाएगा 3x इक्वल टू 75 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन में 3, क्योंकि x के साथ 3 तो मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 बन जा 3 टू जा 6 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया 25 और x था क्या नंबर था, तो लिखेंगे देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर, देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर इज 25। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स द प्रोडक्ट 80। क्या कह रहा है कि वह कौन सा नंबर है जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर से दोस्तों क्वेश्चन समझिए, व्हाट इज द नंबर, कह रहा है वह कौन सा नंबर है व्हिच मल्टीप्लाइड बाय 5, जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं गिव्स द प्रोडक्ट 80, उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, नंबर हम एक्स लेट कर लिए, अब इसको क्या कर रहा है 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कर रहा है कि व्हिच मल्टीप्लाइड बाय 5, लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई हम 5 से करें क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 5x, और ये क्या मिला इसका प्रोडक्ट, यहां पे लिखेंगे गिवन प्रोडक्ट, हम लोग कितना दिया गया है प्रोडक्ट, हम लोग को दिया गया 80 दिया गया है, क्या कह रहा है गिव्स द प्रोडक्ट 80, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, इस नंबर को जो हम 5 से मल्टीप्लाई किया था इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ही तो हुआ है, प्रोडक्ट कितना है 80 दिया गया है। अब प्रोडक्ट की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5x लिख देंगे इक्वल टू 80, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 अपॉन में 5, कैंसिल कीजिए 5 बन जा और ये हो जाएगा 16, x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 16। देखिए देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर, लास्ट में आप लिख लीजिए देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर इज 16। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कह रहा है कि फाइंड ए नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या कह रहा है दोस्तों हम लोगों को कि एक नंबर कह रहा है फाइंड करने के लिए कि जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या कह रहा है कि इज इंक्रीज बाय 60, तो कह रहा है कि वह नंबर जो है किससे इंक्रीज कर जा रहा है, 60 से इंक्रीज कर जा रहा है। फिर से क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर, पर नंबर फाइंड कीजिए व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज मतलब हो गया इक्वल टू इंक्रीज्ड बाय 60, मतलब ये नंबर के बारे में बात हो रहा था, नंबर इंक्रीज्ड बाय 60। हम सोच कर क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए नंबर, क्या कह रहा है, फाइंड ए नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5, कह रहा है किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आया, 5x आया है। इज मतलब हो गया इक्वल टू, तो इक्वल टू को यहाँ पे साइन डाल दीजिए। क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 60, कौन 60 से इंक्रीज कर रहा है, ये नंबर, नंबर है क्या, नंबर है x, उन्होंने क्या किया 60 ऐड कर दिए। ये क्वेश्चन करा, फिर से दोस्तों समझिए यहाँ पे कि फाइंड ए नंबर, करा एक नंबर फाइंड कीजिए व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 60, करा एक नंबर फाइंड कीजिए जिसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर 60 से इंक्रीज कर जा रहा है। हम नंबर को एक्सलेट कर लिए, उसका 5 टाइम्स की 5x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 टाइम्स ऑफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 60, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 5x प्लस एक्स को लेफ्ट लाएंगे तो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 60, 5x प्लस एक्स जाएगा तो जाएगा 4x इक्वल टू 60, यहां से एक्स इक्वल टू जाएगा 60 अपॉन 4 बन जाओ, ये 15 टाइम्स में, तो यहां से एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया 15, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स एज 15। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड ए नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 गिव्स 5। क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी हम लोगों को क्या कह रहा है कि नंबर का फाइंड करने के लिए जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। फिर से यहाँ समझिए कि फाइंड ए नंबर, क्या कह रहा है, नंबर फाइंड कीजिए व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर बी एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, नंबर को कह रहा है 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय 7, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 5 के इक्वल। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, ये हो जाएगा x बाई 7 डिवाइड, मतलब क्या हो गया, बाय, और ये हो जाएगा 5, इसके नीचे 1 कर दिया, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इंटू 1 हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, ये नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 35। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।